नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मधुबन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक कैंटर जिसमें जीरी भरी हुई थी बुरे तरीके से पलट गया। दो लोग इसमें फंसे हुए थे, फिलहाल उन्हें निकाल लिया गया। और जहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि करनाल में पधारने के लिए आपका धन्यवाद, वो बोर्ड भी यहाँ पर गिर चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और जो टोल कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और ट्रैफिक को फिलहाल सामान्य करवा दिया गया। ट्रैफिक यहां पर काफ़ी ज़्यादा था, उस ट्रैफिक को फिलहाल पुलिस ने खुलवा दिया। सुबह 6 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जीरी से भरा हुआ जो ट्रक है, बताया ऐसा जा रहा है कि शायद उससे नींद की झपकी आ गई थी और इसी वजह से पोल के अंदर जो ट्रक है वो घुस जाता है और बुरे तरीके से जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक ट्रक आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से टोटल लॉस हो चुका है और बुरे तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ। ट्रक के क्या हालात है वो भी आप देख सकते हैं। लगभग 5:30 बजे के आसपास की जो घटना है वो बताई जा रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और मैं बार बार यही बात कहता हूं कि नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोग सावधानी दोस्तों ज़रूर बरतें, क्योंकि एक सावधानी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, किसी की जान ले सकती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है, जो बोर्ड था पूरे का पूरा, इतना हैवी पोल था, भारी पोल था, वो किस तरीके से यहाँ पर गिर गया। हालांकि जो दो लोग थे, ड्राइवर और क्लीनर था, उसे बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल भिजवा दिया गया, उनकी जो जान है वो बच गई। दोनों टांगे बताया जा रहा है कि ड्राइवर की ख़त्म हो गई हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने दोनों ड्राइवर और क्लीनर को निकाला था। भैया क्या नाम है आपका, इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका और कैसे घटना हुई है? जी मेरा नाम चिरंजीवी है जी। तो जी सुबह के 5:30 बजे की बात है जी, उधर से गड्ढे टैंक आया ये और ये पोल टकराया तो पलट गया जी। इसमें दो बंदे फंसे हुए थे, उनको निकाले गया। ड्राइवर की टांगों में चोट बताई जा रही है? हाँ जी, इनको टांगे में ज़्यादा चोट है जी। ज़्यादा चोट है? हाँ जी, शायद उसकी टांग कट सकती है जी। टांगे कट सकती है? हाँ जी। तो फिर एम्बुलेंस बुलाई जी हमने, जो पार्क वाली खड़ी होती है तो उसमें ले गया जी उसको अस्पताल में। जी मैं यही कहूँ जी, पक्का बोल चश्माना जी। तो क्या नींद वगैरह झपकी आ गई थी? शायद झपकी आ गई हो जी उसको। बात नहीं ड्राइवर के साथ? नहीं जी, क्योंकि आए जैसे हम आए ना तो उसको निकालने में लग गए थे जी, वो निकालते ही के लिए एम्बुलेंस में बिठा दिया। तेज था ट्रक, स्पीड तेज थी? सारी स्पीड थी जी, इसलिए पोल पाल पटाए जी। हेलो, क्या नाम है? चिरंजीव। और ये चिरंजीव हैं जिन्होंने ड्राइवर और क्लीनर को गाड़ी में से बाहर निकाला। बता रहे हैं कि जो जान है वो उनकी ज़रूर बच गई, लेकिन टांगे हो सकता है कि उसकी काटनी पड़े। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई ये होगा, क्योंकि बगैर यानी कि टांगों के आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी लाचार हो जाती है। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। और बड़े हादसे में आप देख सकते हैं किस तरह से यानी कि एक गाड़ी, एक ट्रक बुरे तरीके से क्या उसकी हालत हुई है, ये आपके सामने है। और HR 73A25 कुछ ऐसा इसका नंबर है, और क्या नंबर है इसका, 25 है? नहीं, वो लगा हुआ है HR 73A25, आगे कुछ लिखा हुआ है 2583। HR 73A2583 ट्रक का नंबर है, कैंटर है और जीरी इसमें भरी हुई थी। ट्रक में, कैंटर में ये जीरी जा रही थी और फिलहाल जो ड्राइवर है और जो क्लीनर है उसे भिजवा दिया गया है अस्पताल इलाज के लिए। लेकिन घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। आपको क्या जानकारी घटना के बारे में? चाय पी रहे थे जी हम, तो देखा भी गाड़ी लग गई है तो हम भी आए, एकदम बाज के आए। पटाखा बजा होगा जोर का? नहीं सर, वो तो हमको पता नहीं, चाय पी रहे थे इधर बैठे पकड़ पे सर जी, तो एकदम टाइम पे ये भाई था, ये गोता खो रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने जब देखा एकदम से जैसे गिरी है गाड़ी, एकदम से हम भाग के आए तो तभी उनको निकाला था जी। इस करके हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गोताखोरी के। ड्राइवर की उम्र कितनी होगी चिरंजी भाई? होगी ड्राइवर की ये कोई पाएगी 30 के एडिकेट पाएगी। हाँ जी 30 के एडिकेट पाएगी, 30-35 साल का ही है उसकी जी, कम उम्र थी। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि छोटी ही उम्र के ड्राइवर और क्लीनर थे और किस तरह से हादसा बुरे तरीके से यहाँ पर हुआ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा हादसा
अभी हुआ। ट्रक कितने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया वो आपने देख लिया, जीरी इसमें भरी हुई थी और पूरे का पूरा जो बोर्ड है उसका पोल किस तरीके से उखड़ गया वो भी आपने देखा। आप सभी लोगों से ये अपील जरूर रहेगी कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है 5:30 बजे के आसपास। ये ट्रक यहाँ पर एक, मैं आपको बता दूं कि एक मोड़ है और इस मोड़ पर अगर वाहन तेज़ हो तो इस तरह से पहले भी जो हादसे हैं वो हो चुके हैं, इसी वजह से हो सकता है ये हादसा हुआ। लंबे समय से ये मांग है कि जो इससे पहले नहर का पुल आता है उसे चौड़ा किया जाए, लेकिन उसे आज तक चौड़ा नहीं किया गया, वो आज भी डबल लेन है, जबकि ये पूरे का पूरा जो हाईवे है वो 6 लेन है। 6 लेन होने के बावजूद जो ये पुल है इसकी मांग बार बार हो रही है। जो यहाँ के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे भी चुनावों के समय में ये मांग की गई थी कि आप इस पुल को चौड़ा करने का जो काम है वो करवाएं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पुल को कई कारणों से चौड़ा नहीं किया जा सका। साथ ही पक्का पुल है और पक्के पुल के बिल्कुल सामने जिस तरह से ये हादसा हुआ ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है कि एक क्लीनर एक ड्राइवर कितने बुरे तरीके से चोटिल हुए हैं। घटना हमने आपको पूरी दिखा दी, करनाल के मधुबन की ये घटना। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है और जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्हें फ़िलहाल अस्पताल में ज़रूर एडमिट करवाया गया और बताया ये जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी टांगें भी काटनी पड़ सकती हैं क्योंकि टांगों पे बहुत ज़्यादा चोट है। और घटना आपने पूरे तरीके से देख लिया, जो पुलिस कर्मचारी हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनको जानकारी मिली थी, क्या कुछ पूरी घटना थी और कौन कौन लोग इस घटना में घायल हुए हैं। रविंदर जी, क्या घटना हुई थी पूरी, कब जानकारी मिली, ट्रैफिक सामान्य करवा दी? लगभग 1 घंटा पहले घटना हुई थी। ऐसा लगता है ड्राइवर नींद में था, इसको नींद आई है, इसने पोल में टक्कर मारी, उसके बाद ये नीचे गिरा, इंजर्ड है, हॉस्पिटल काफी चोटें लगी है। हाँ, काफ़ी चोटें, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया है वो, और एक साइड क्लियर। हाँ जी, पोल उखाड़ दिया। हाँ, पोल पूरी तरह पूरी जबरदस्त टक्कर हुई है, नींद में था ये। जबरदस्त टक्कर हुई है और आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी हैं, मौके पर पहुंच गए थे और फिलहाल जो ट्रक है उसे साइड पर करवाने के लिए क्रेन भी बुला ली गई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से हैं जहाँ पर एक ट्रक का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तस्वीरें आपने देख ली हैं कि किस तरह से जो ट्रक जीरी लेकर जा रहा था, HR 7325-83 इसका नंबर है, और ये ट्रक किस तरह से जीरी लेकर जा रहा था और ऐसे में जो हादसा है वो हो जाता है। फिलहाल जो ट्रक है उसे हटवाने के लिए, कैंटर को हटवाने के लिए जो क्रेन है वो बुलवा ली गई है। और बोर्ड का हाल देखिए आप क्या हुआ है, इतना मज़बूत पोल और ये पिलर देखिए, इतने मज़बूत पिलर पर अगर ये जो बोर्ड है वो लगा हुआ था, अगर ये भी उखड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी तेज़ होगी। हालांकि जो ट्रक है उसमें काफ़ी हैवी लोड होता है और हैवी लोड होने के कारण जो टक्कर है वो उतनी ही तेज़ लगती है। फिलहाल पहले मुझे लगता है कि शायद बोर्ड को साइड पर करवाया जाएगा और उसके बाद ही ट्रक को हटाया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं जहां पर एक बड़ी घटना हुई है और फिलहाल इस ट्रक को हटाने के लिए पहले इस बोर्ड को हटाया जाएगा इस क्रेन के माध्यम से और उसके बाद इस ट्रक को यहां से हटाया जाएगा। फिलहाल जो ट्रैफिक है उसे आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस ने डाइवर्ट करवा दिया है। नेशनल हाईवे की जो पुलिस है वो मौके पर पहुँच गई है, मधुबन थाना पुलिस की जो पुलिस है मौके पर पहुँच गई है और अब इस ट्रक को साइड पर करवाया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के नेशनल हाईवे नंबर 44 से आप देख रहे हैं जहां पर मधुबन के पास आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही बुरा और गंभीर जो हादसा है वो हुआ है। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या नाम है आपका और क्या घटना के बारे में जानकारी? मेरा नाम दीपक है जी, मैं पक्के पुल का रहने वाला हूँ। 5:30 बजे एक धमाके की आवाज़ आई है, तो तेज के धमाके बाद जैसे पंचर हो जाए घर से भागे ना, हम देखा तो एक गाड़ी पलटी है, गाड़ी से भाग के आए निकाली, इसमें ड्राइवर निकाला 5:30 बजे, 5:30 बजे निकाला ड्राइवर, फंस गया था, दोनों टांगे गई है उसकी। हाँ जी, इधर हो जाए, दोनों टांगे बताया जा रहा है कि उसकी खत्म हो गई है। और फिलहाल और आप देख सकते हैं कि अब जो ये कैंटर है इसे हटाने के लिए इस पोल को हटाया जा रहा है और ये देखिए कितनी जो गंभीर और बुरी घटना है वो हुई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये देखिए पोल, इस पे जो
कहाँ पर लगा हुआ है, इस पोल को यहाँ से हटाया जाना है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों से अपील, ये सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही गंभीर और बड़ा जो हादसा है वो हो जाता है। और हालांकि कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं कि जो पोल है इसे निकाला जा सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोल है उसे भी निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस समय आ रही है। और अपने आप में बड़ी घटना ये ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, ध्यान से ये देखिए, पोल भी यानी कि इस कदर फंसा हुआ है कि उसे भी निकालना संभव नहीं हो पा रहा है पुलिस के लिए, क्रेन के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए। और ये देखिए, अब देखिए, अब इस और ये देखिए क्या हालत जो पोल है उसकी हुई है, और कितने बुरे तरीके से जो ये हादसा है वो हुआ है। और फिलहाल इसे साइड पर करने के लिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत फिलहाल रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख सकते हैं, जहां पर पोल का पोल ही यहां पर उखड़ गया है। और अब इसके बाद इस ट्रक को यहां से हटाया जाएगा। पोल काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा भारी है, और अब उस पोल को फिलहाल साइड पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, ये IBN 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और आपको अच्छी खबरें, सही खबरें, बेबाक खबरें और ज़रूरी खबरें देने के लिए IBN 24 प्रतिबद्ध है। इसीलिए करनाल के मधुबन से सुबह सुबह आप ये खबरें देख रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ और ट्रक को फिलहाल साइड पर किया जा रहा है। अब इस पोल को पहले साइड पर किया जाएगा और उसके बाद जो ट्रक है उसे साइड पर किया जाएगा। और हाईवे की ये तस्वीरें हैं, नेशनल हाईवे की, और ट्रक का जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें एक बार दिखा देता हूँ कि ट्रक कितने बुरे तरीके से यानी कि एक्सीडेंट हुआ है इसका। और दो लोग थे इसमें जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। और वो देखिए, वो पोल भी गिर गया। और ये देखिए, वो पोल भी गिर गया, गिरना ही था क्योंकि साइड पर करना उसे इतना आसान नहीं था। और वो पोल भी अब लाइव आपके सामने है कि किस तरह से वो भी गिरा दिया गया, क्योंकि साइड पर करने के लिए शायद ज़रूरी भी था, बगैर उसके उसे साइड पर किया जाना इतना आसान नहीं था। और ये देखिए कितना हैवी पोल था कि सड़क के बीच में भी किस तरह से, किस कदर जो लाइनें हैं वो खिंच गई हैं। जो आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा, ड्राइवर और क्लीनर अस्पताल में एडमिट हैं और फिलहाल उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड जो था उसे साइड पर किया जा रहा है। पहले बोर्ड साइड पर किया जाएगा और उसके बाद जो ट्रक है उसे साइड पर किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते जाएं। अपने आप में बड़ी घटना है ये कि किस तरह से एक जो जीरी से भरा हुआ कैंटर है वो पलट जाता है और पोल के अंदर टक्कर मारता है। और जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्हें बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो गंभीर चोट है वो लगी। और हालात देख लीजिए एक बार, कैंटर के जीरी से भरा हुआ ये कैंटर था, इस कैंटर को भी अब यहाँ से हटाया जाएगा, जीरी को भी यहाँ से हटाया जाएगा। बोरियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से फटकर गिर गई हैं, भरी भी हुई थी कुछ बोरियाँ भी इसके अंदर हैं। और ट्रक के अगला हिस्सा एक बार देख लीजिए कि किस कदर जो हादसा है वो हुआ है। और अपने आप में ये बड़ी घटना ज़रूर है, बहुत ही दर्दनाक यह हादसा। किस तरह से ड्राइवर की बताया जा रहा है कि दोनों टांगे जो हैं वो कट सकती हैं, अगर ऐसा होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला होगा कि किस तरह से एक नींद का झोंका जो है वो किसी की ज़िंदगी लेने का कारण यहाँ पर बन गया। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ अब क्योंकि जो बोर्ड है उसे हटाया जा रहा है और अब ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसे भी सुचारू रूप से चलाना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि जब तक इसे यहाँ से पूरे तरीके से हटाया नहीं जाता तब तक ट्रैफिक भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और ये देखिए, अब
इस बोर्ड को पहले साइड पर किया जा रहा है, बोर्ड को साइड पर किया जाएगा और उसके बाद कैंटर को यहां से हटाया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और उस हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि कैंटर किस तरीके से यहां पर पलट जाता है और कैंटर पलटने के बाद किस तरह जो बोर्ड है अब उसे ये जो क्रेन है वो साइड पर करती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद उस कैंटर को साइड पर किया जाना है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जो ट्रैफिक है वो फ़िलहाल यानी कि रोका गया है एक तरफ का, और ट्रैफिक को अब चलाने के लिए गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें करनाल के मधुबन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा ज़रूर हुआ है और किस तरह से जो कैंटर चालक है उसकी बताया जा रहा है कि दोनों टांगे बहुत ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा। ऐसा भी हो सकता है कि टांगों को काटना पड़े उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि जब उसे बाहर निकाला गया उस समय तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा जो दर्दनाक स्थिति में थी, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा ज़रूर हुआ और अब इस जो पोल है इसे यहां से हटाया जाएगा। भैया आप कितने बजे पहुंच गए थे घटना पे? अभी सर हो गया घंटा सर। क्या घंटा हुई? नींद ना आई सर इसको, दिक्कत चोट ज़्यादा लगी है? नहीं ठीक है, चोट नहीं है किसी। टांगों पे बता रहे ड्राइवर को काफ़ी छोटी मोटी क्रॉस तो आएगी सर। अच्छा, ज़्यादा चोट नहीं? नहीं सर। और इनका कहना है कि ज़्यादा चोट नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति ने ड्राइवर को निकाला है उसका कहना है कि जो चोट है वो काफ़ी ज़्यादा है टांगों पे। और आपके पास फोटो भी है ड्राइवर की, वो कुछ जब निकाला था उसको? नहीं, उस टाइम की नहीं है सर। अच्छा, उस टाइम की नहीं है। ठीक ठीक ठीक। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर करनाल पुलिस ने ट्रैफिक को फिलहाल चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी देखिए खंभे को हटाए जाने का जो काम है वो किया जाना था और उससे पहले ही ट्रैफिक चला दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैंटर किस तरह कदर पलट गया और कैंटर के जो हालात हैं वो आपने देख लिए कि किस कदर जो कैंटर है उसके साथ ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना में काफ़ी ज़्यादा जो चोटें हैं वो बताई जा रही हैं कि लगी हैं ड्राइवर को और क्लीनर को। और इस पुल को मैं बता दूं कि जो नहर का पुल है उसे ज़रूर बताया जा रहा है कि चौड़ा किया जाने का काम जो है वो ज़रूरी था और उससे पहले ही हाँ ड्राइवर कंडक्टर वहाँ लेके गए हैं जी हॉस्पिटल टांगों के। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैं सुबह वहाँ मोड पे था। अच्छा जी। अच्छा, हम दो लड़के और थे, हमने वहाँ देखा एकदम ब्रस्ट की आवाज़ आई बहुत तेज, हम वहाँ से भागे एक डेढ़ किलोमीटर से, फिर उधर से भी बंदे आ गए। हाँ हाँ, बहुत तेज ब्रस्ट थी, क्योंकि ये देखो ना ऐसे आई, उसके पिलर के मारी, पिलर के मारने से इस साइड का भी ये भी गिर गया ना ढांचा सारा सारा, तो कितनी तगड़ी ब्रस्ट थी। फिर वो क्लीनर और वो ड्राइवर दोनों फंसे हुए थे इसके अंदर, फिर एक कैंटर को हमने रोका, उसके पीछे रस्सियाँ वगैरह थी, कोई बांधने का मतलब टोचन करने का कुछ सिस्टम ही था ताकि इसको खींच के बाहर निकाल सकें। फिर इसमें से क्लीनर को बिल्कुल पतला था, वो पतला सा लड़का था, उसको स्पेस कम चाहिए था निकलने के लिए, वो जल्दी निकल गया। वो थोड़ा ड्राइवर तगड़ा था और उसकी टांगें फंस गई स्टेयरिंग के नीचे और उसके, हाँ ये है टांगों टुंगों पर ज़्यादा लगी हैं, बाकी बोल रहा था वो। हाँ हाँ, ये बस आधा पौना घंटा हो गया। क्या नाम है आपका? नहीं साढ़े पाँच नहीं, छः बजे के आसपास है। पूरे छः बजे की आवाज़ है, हम छः बजे में दस मिनट पे घर से निकले थे जब हमको वहाँ से बर्स्ट सुनी एकदम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। तो सैर कर रहे थे आप? हाँ हम सैर करने के लिए जाते हैं डेली, डेली जाते हैं हम। धमाके की आवाज़ आई? हैं धमाके की आवाज़ आई? हाँ धमाके की पूरी तेज आवाज़ आई। उधर से वो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का ऑफिस है ना, दफ्तर है, उधर से दो लड़के और आ रहे थे, वो एकदम भाग गया है। बोला भैया देखना क्या हो गया वहाँ पे, वहाँ का एक्सीडेंट हो। ट्रक की स्पीड तेज हो गई? हाँ तेज होगी तभी बर्स्ट है। ये देखो ना ढांचा कैसे है, और किसी के साथ तो ये टच हुआ नहीं है, ये होल्डिंग्स वगैरह खड़े थे इनके पिलर के साथ टच हुआ है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि घटना बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी और ऐसे में जो ट्रक है उसके क्या हालात हुए हैं वो आपके सामने। आप सभी लोगों से ये
हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि पता लग सके कि कैसे एक बड़ी घटना, एक बड़ी दुर्घटना सिर्फ ओवर स्पीड की वजह से हो सकता है कि हुई हो सकता है कि ये घटना इस वजह से हुई हो कि स्पीड तेज़ थी, ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, मोड़ था, कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद जो ट्रैफिक है वो किस तरह से जाम लग गया और घटना बड़ी अपने आप में इसीलिए हो जाती है क्योंकि ट्रक ड्राइवर को बहुत जो बुरी चोटें हैं वो लगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और एक बार फिर से जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है वो बन गई है यहाँ पर। हालांकि राहत का काम बीच में चल रहा था लेकिन किस तरह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि एक बार काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक को निकालने की पहले कोशिश की जा रही है कि पहले ट्रैफिक को निकाल दिया जाए और काफ़ी देर से जो पुलिस है मशक्क़त यहाँ पर कर रही है। लेकिन और दूसरा ट्रक भी यहाँ पर पहुँच गया है माल उतारने के लिए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। दूसरा ट्रक शायद उन्हीं की तरफ से आया जिनका ये माल चढ़ाया जाना है, उनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन ये ड्राइवर और क्लीनर था। भैया हेलो हेलो, ओ छोटे तुम आए हो ट्रक लेके, दूसरा ये दूसरा ट्रक लेके आया ना सामान लेने के लिए, कौन कौन है ये? एक एक आया, दूसरा कौन सा साथ में इनके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। दूसरा ट्रक आप लेके आए माल के लिए? हाँ जी। कहाँ से था ये ट्रक? ये ट्रक यहाँ करनाल में खलाना था जी। कहाँ से आया ये? यहीं से आया, हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? इस ये हसनपुर से। और ड्राइवर क्लीनर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है जी, क्या नाम है आपको? कहाँ से ट्रक आ रहा था ये? ये हसनपुर से आया था। हाँ, पलवल के पास से। हाँ जी। कितने बजे चला था आपको ये? रात ऐसा चला कोई 8:30-9 बजे। तो आपको क्या घटना की जानकारी मिली? हमको पता चली कि हमारा जो माल उस ट्रक में गया है वो माल वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं तुरंत, मेरे को पता चली, मैं गाड़ी लेके आया इसको, अब भरवा के ले जाता हूँ। तो आप कहाँ से ट्रक? करनाल से लेके आए? हाँ जी, करनाल से। करनाल ही आना था ट्रक? हाँ जी, और करनाल ही आना था ट्रक ये। और ये फिलहाल पहुँचे हैं यहाँ पर, जो सामान है उसे, जो माल है उसे लोड करने के लिए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा हादसा आपने देखा, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मधुबन से। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण अप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।